ये है मटन बिरयानी रेसिपी। कुछ अलग किस्म का है, दिखने में भी एकदम अप्रतिम और खाने में भी एकदम मज़ेदार। तो 1 किलो मटन है, इसमें कुछ हड्डियां हैं और कुछ मीट है। तो मिक्स मटन लेना और अच्छी तरह से धोने के बाद 3 से 4 बार तो अच्छी तरह से धोना चाहिए। अभी एक पतीले में हम लोग डालेंगे तेल, और ये कुछ खड़ा मसाला, तेज पत्ता 4 छोटे हैं, लौंग 7 से 8 लौंग, दालचीनी और काली इलायची 4 से 5, हरी इलायची, मेज 1 छोटा टुकड़ा, और ये स्टार एनीस हल्का सा भून लेना है। प्याज यहाँ पे 2 मीडियम साइज प्याज इस तरह से बारीक स्लाइस कर लेना है। अब डालेंगे हम लोग प्याज, 2 बारीक कटा हुआ प्याज मीडियम साइज। लहसुन अदरक इसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। जितना फ्रेशनेस आप इसमें डालोगे तब आएगा आपको मज़ा। तो इस तरह से मैंने कूट लिया है। अब डालूँगा अदरक लहसुन, कूटा हुआ अदरक लहसुन, भून लेते हैं इसको। अब डालेंगे हम लोग मटन, मटन ले लो या लैम ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ पर मटन लिया है। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, टमाटर 3 मीडियम साइज टमाटर है, तो इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है। 3 मीडियम साइज टोमेटो, हरी मिर्च 5 से 6 जितना तीखा आपको चाहिए, ये बर्ड्स आई चिल्ली है, ये ज़्यादा स्पाइसी होता है। अब मैं डालूँगा धनिया, आधा गड्डी धनिया है, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें हम लोग थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। वीडियो ध्यान से देखना तब आपको आएगा समझ में। अब ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग बिरयानी मसाला तैयार करेंगे। यहाँ से हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं लाएंगे, खुद बनाएंगे सब मसाला। देखो, धनिया, मेज, काली मिर्च, शाही जीरा, दालचीनी, इलायची, स्टार एनीस और जायफल छोटा टुकड़ा, ये रहा इतना सा काफ़ी है, लौंग और ये काजू 10 से 12 कच्चा काजू, पॉपी सीड और सेसमी सीड, मिर्ची 7 से 8। मटन देखो अभी सॉफ्ट हो गया है। अब हम लोग इसमें बिरयानी मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग बिरयानी मसाला इसमें डालेंगे। तो सारा सब कुछ सब मसाला हम लोग अभी डालेंगे मिक्सर में और इसको हम लोग एकदम फाइन पीसेंगे। तो हम लोग बाहर से कोई गर्म मसाला या बिरयानी मसाला नहीं ला रहे, सारा कुछ मसाला हम लोग होम मेड बनाएंगे। ये रहा इस तरह से। अब इसमें कुछ फ्राइड ऑनियन है, ये मीडियम साइज फ्राइड ऑनियन में डालूंगा इसमें, और थोड़ा पानी डाल के पीस लूँगा। अगर आपको ज़्यादा सेव करना है तो बिना पानी डाल के आप लोग इसको ग्राइंड करके रख सकते हैं एक्स्ट्रा। ये हो गया अपना बिरयानी मसाला तैयार। इधर ही ट्विस्ट है दोस्तों, अब हम लोग डालेंगे बिरयानी मसाला इसमें।
धनिया डालेंगे आधा गड्डी धनिया और थोड़ा पुदीना भी डालेंगे। इस तरह से काट लिया है पुदीना। अब जो है बिरयानी इस मसाले के साथ पकेगा, तब आएगा इसमें ट्विस्ट। ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं इसको एक आधे घंटे के लिए। अब हम लोग सेफ्रॉन वाटर तैयार करेंगे। सेफ्रॉन वाटर कैसे तैयार करते हैं देखते हैं। सेफ्रॉन अब इसमें गर्म पानी डालना है, एक 10 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको। ये पूरा कलर चेंज हो जाएगा इसमें। इसमें हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा नेचुरल होगा। यहाँ पे नमक, ये पिंक सी सॉल्ट है। अब हम लोग चावल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डालेंगे तेल, नमक, इलायची, हरी मिर्च, दालचीनी और तेज़पत्ता। अब इसको बॉईल होने के लिए रखते हैं। बॉईल हो गया है पानी, अब हम लोग डालेंगे चावल। यहाँ पे मैं पुराना बासमती चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ और चावल कम से कम 4 घंटे भिगा के रखना चाहिए आपको। अगर चावल एकदम लंबे लंबे और मज़ेदार चावल चाहिए तो 4 घंटे भिगो के रखना है। ढक्कन लगा के पकने देते हैं। 90% हम लोग चावल पकाएंगे। चावल रेडी है, अब इसको छान लेते हैं। ये देखो, अभी इसके ऊपर जो भी एक्सिस मसाला है इसको आप निकाल सकते हैं अगर चाहिए तो। मिर्ची हो गया, तेज पत्ता हो गया। अब यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है। तवे के ऊपर हम लोग एक बिरयानी वाला पतीला रखेंगे। अब चावल पूरी तरह से फैला देंगे और गैस करेंगे। पहले हम लोग तेज करेंगे, उसके बाद हम लोग एकदम स्लो कर देंगे गैस। ये थोड़ा घी डालेंगे, होममेड घी है। इसको कैसे बनाते हैं इसका रेसिपी ऑलरेडी मैंने बनाया है, तो जितना होता है पूरा होममेड खाना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून घी डालते हैं। धनिया डाल रहा हूँ और ये सेफ्रॉन वाटर, केसर वाला पानी, धनिया, पुदीना, केसर वाला पानी और बड़ा फ्राइड ऑनियन, ये सब डाल के हम लोग 25 से 30 मिनट दम देंगे एकदम स्लो फ्लेम पे। नीचे लगना नहीं चाहिए, इसके लिए हमने तवा रखा है। अभी 25 मिनट हो गए हैं, 25 से 30 मिनट के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एकदम ज़बरदस्त अलग टाइप का बिरयानी है, बड़ा मज़ेदार होता है। सारा मसाला हमने खुद होममेड तैयार किया है घर में और रिजल्ट आपके सामने है। देखते ही मुँह में पानी आ जाने वाला खाना है। अब गार्निश करते हैं और इस पर थोड़ा नींबू निचोड़ेंगे ना, तब एक अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। अब बिरयानी बनाइए तो टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा नींबू निचोड़ लेता हूँ इस पे और एंजॉय करता हूँ। तो आप लोग भी घर में बनाओ और एंजॉय करो।